मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ज्योति विश्वकर्मा एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आपके अपने उमा विजयंती के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कक्षा 4 की व्याकरण की बुक पढ़ाऊंगी जिसमें आपका चैप्टर 3 है। आपका चैप्टर 3 क्या है? संयुक्त व्यंजन। आज आप व्याकरण में पार्ट 3 पढ़ेंगे, संयुक्त व्यंजन। ठीक, अब बेटा संयुक्त व्यंजन पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैंने आपको जो पहला इससे पहले जो चैप्टर 2 पढ़ाया है उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्ण विचार, जो वर्ण मैंने पढ़ा था उसमें आपको पढ़ाया था कि व्यंजन किसे कहते हैं और स्वर किसे कहते हैं। उसमें मैंने आपको संयुक्त व्यंजन भी अलग करके बताया था, उसमें मैंने आपको व्यंजन भी अलग करके बताया था। सेम उसी से मिलता जुलता हुआ सेम वही है आपका यहाँ पे संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, आज मैं आपको ये बताऊंगी। दो व्यंजनों से मिले हुए वर्ण ही संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण ही क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो व्यंजनों के मेल से कौन सा वर्ण बनता है, जैसे आप पढ़ते हैं क से ह तक मैंने आपको बताया है आपका क्या है, व्यंजन है। अगर क से ह तक आपका व्यंजन है तो बाकी आपका बचता है छ, त्रण, ज्ञ। ये क्या है आपका, ये मैंने आपको वर्ड पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये आपका संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन। अब बेटा आप देखेंगे जो आपका छत्रंग गया है ये संयुक्त व्यंजन है। इसी के साथ एक और वर्ड है आपका स्र। क्या है? स्र। ये भी आपका किसमें आता है, संयुक्त व्यंजन में आता है। ये चार वर्ण जो आपके हैं इसी को हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यही हमारे वर्ण दो व्यंजनों के मिल से बने हुए हैं। कैसे? अब आप इसको देखिए, आपका छत्री वाला छ है, त्र है, ज्ञ है और स्र। देखिए ये किन दो व्यंजनों के मिल से बना हुआ है, आपका क प्लस फटकोड़ वाला थ इक्वल क्या होगा, छत्री वाला छ। उसके बाद क प्लस र इक्वल क्या होगा, त्रिशूल वाला त्र। ज्ञ ज प्लस ईएन इक्वल क्या होगा, ज्ञ होगा। स आपका स प्लस र इक्वल आपका क्या होगा, स्र होगा। देखिए बड़ा वाला शर है ना इन दो व्यंजनों के, क्योंकि आपका देख सकते हैं आप क है आपका व्यंजन, खटकोड़ वाला क भी आपका क्या है, व्यंजन है। त आपका व्यंजन है, र भी आपका व्यंजन है। तो ये तो दो हुए ना, क और ख को मिलाकर के दो व्यंजनों के मेल से आपका क्या बना, छत्री वाला छ। यही संयुक्त है, मिलना ही क्या होता है, संयुक्त कहलाता है। व्यंजनों का मिलना हो, वर्णों का मिलना ही क्या कहलाता है, संयुक्त कहलाता है। जैसे सामूहिक, जैसे आप क्लास में बैठते हैं कोई एक बच्चा बैठता है तो उसको आप कहते हैं कि मैं अकेला हूँ, मैम मैं अकेला हूँ। संयुक्त मीन्स होता है मिला हुआ, जुड़ा हुआ। तो दो व्यंजनों को जोड़ करके एक नया वर्ण जो बनता है, छत्री वाला छ, ये आपका क्या है, संयुक्त व्यंजन है। और आपका ये दो व्यंजन कौन से है, क और ख। अब आपका तरफ भी संयुक्त व्यंजन है, त और र के मेल से बना हुआ है। आपका ज्ञ है ये ज और ल के मेल से बना हुआ है। आपका श्र है ये श और र के मेल से बना हुआ है। बेटा ये जो आपका कर है इसके नीचे आप देख रहे होंगे हलंत लगा हुआ है। जो हलंत लगा हुआ होता है इसका मतलब क्या होता है आपको पता है, ये वर्णों को आधा करता है। कैसे? आप ये कर इसको आधा मान के चलिए, मान लीजिए कि ये जो कर है ये हाफ है आपका, ये का आपका क्या है, आधा है। मैंने यहाँ पे देखिए कर लिखा है ये आधा का हो गया। कभी भी किसी भी वर्ण के नीचे अगर हलंत लगता है तो उस वर्ण को हम क्या कहेंगे, हाफ कहेंगे। कभी कभी आप लिखते हैं ना जैसे मक्खन, ढक्कन लिखते हैं ना, तो ये आपका जो आधा का है ये मान लीजिए अगर आप इसके नीचे हलंत लगाते हैं विद्यालय
इसे क्या करेंगे हम हाफ व्यंजन। तो क और ख के मेल से छत्री वाला छ बना, त और र के मेल से त्रिशूल वाला त्र बना, और ज और ञ के मेल से घ बना, श और र के मेल से क्या बना, स्र बना। ये तो हुए आपके संयुक्त व्यंजन की बात। ठीक, मैंने आपको वर्ण में पढ़ाया है कि वर्ण कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, स्वर की संख्या कितनी होती है, टोटल मिला के कितने वर्ण होते हैं, मैंने सारा आपको बताया है। तो इसमें हुए इसमें खाली इस चैप्टर में खाली आपको यही संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ना है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं आपके, चार होते हैं। कौन कौन से, छत, रंग, घ और श। और ये किन दो व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं, मैंने उस चैप्टर में भी आपको पढ़ाया है, लेकिन आपको ये अलग से चैप्टर दिया है ताकि आप इसको भूलें ना, इसको अच्छे से रिवाइज कर सके, इसको अच्छे से पढ़ सके, इसलिए आपको ये दोबारा फिर से चैप्टर दिया गया है। तो आप देखिए, क और ख से छतरी वाला छ बना हुआ है, एक बार रिपीट करके ढंग से ताकि आपको भूले ना। उसके बाद त और र से आपका त्र बना हुआ है, ज और ञ से आपका ज्ञ बना हुआ है, श और र से आपका श बना हुआ है। ये हुए आपके संयुक्त व्यंजन। इसी में आपका जब आप क से ज्ञ तक पढ़ेंगे तो आपको र मिलता है, पढ़ते हैं ना। पढ़ते हैं य, र, ल, व, श। आप य पढ़ते हैं ना, इसी र को हम और कितने प्रकार से लिख सकते हैं, जितने भी वर्ड में सारे य है तो यही लिखा जाएगा, ल है तो यही लिखा जाएगा, व है तो वही लिखा जाएगा, श तो श, और जितने भी व्यंजन हैं वो अपने ही रूप में लिखे जाते हैं, उनको आप और किसी प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। लेकिन र एक ऐसा वर्ण है जिसको हम और कई प्रकार से लिख सकते हैं और इसका उच्चारण और कई प्रकार से कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं आप देखेंगे। देखिए, र को आप जैसे आपने लिखा रबड़, ठीक, क्या लिखा आपने रबड़, ये मैंने पूरा र लिखा हुआ है। अब इसी र को मैं, ये तो हुआ आपका पूरा र, अब मैं इसी र को ऐसे लिखती हूँ, मैंने लिखा क्र, इसको ये आधा र, क्योंकि राम पूरा, ये जो आपका र है ऐसे पूरा नहीं होता, का आप ऐसे आधे लिखेंगे, या आप ऐसे आधे लिखेंगे, था आप ऐसे आधे लिखेंगे, वह ऐसे आधे लिखेंगे, श ऐसे आधे लिखेंगे, लेकिन का को जो र है उसको हाफ कैसे करें, इसके लिए चार तरीके से आप र लिख सकते हैं। आप क्र ये नीचे से आप ऐसे लगा देंगे, हलंत आपका ऐसे होता है, ध्यान रखिएगा, और आपका र इस तरफ से होता है, ये क्या है आपका क्रम हुआ। अब इसे और एक प्रकार से लिख सकते हैं जिसको आप रघु र बोलते हैं, ऐसे छोटी की तरह होता है, नीचे इसके डंडी नहीं होती है, केवल ये ऊपर की तरफ होता है। आप लिखते हैं गर, ये उड़ंतु र है ना, आप लिखते हैं पर, उड़ंतु र है ना, तो ये र है, इसको भी हम र ही पढ़ते हैं, ये भी र है और आपका ये भी र है, ठीक। तो ये आपका तीसरे प्रकार का र हुआ। अब आप एक ये र पढ़ते होते नहीं आपको मिलता होगा, कैसे इस र को हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आप लिखते हैं ट्रक, ट्रायर, ट्राली, ट्रॉक, ट्रैफिक, ये सब क्या है आपके ये र, ठीक, ये भी आप र के रूप में ही इसको भी आप पढ़ेंगे। तो र आपका जो है चार प्रकार से होता है, एक ऐसे, एक ऐसे, एक आपका ये भी र हुआ और एक आपका ये भी र हुआ, इतना आप जानते रहिए। उसके बाद बेटा आप जितना भी व्यंजन पढ़े हैं इसको लर्न कर डालिए, और आपने जितने र को सीखा इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब अगला आपका आप अपनी बुक में देखेंगे अभ्यास कार्य, ये देखिए आपकी बुक में अभ्यास कार्य है, आप पढ़ करके इसको ध्यान से करने का प्रयास करिएगा और एक बार मेरे साथ भी देखिए। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब दो व्यंजनों को जोड़ करके लिखा जाता है, दो व्यंजनों के मेल से बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद है संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है छत, रंग, ज्ञ और स्र, क्या है आपके संयुक्त अक्षर कहलाते हैं, ठीक, और स्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजनों से दो दो शब्द बनाइए,
आप अपने मुंह में देखिए सज्जा है। उसके बाद आप ऐसे ही शब्दों को बनाइएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन ये है, नीचे दिए गए संयुक्त अक्षरों को जोड़ करके नए शब्द बनाइए। जैसे संयुक्त अक्षर है कच्छ है, यहाँ पे पक्ष है, समक्ष है, ऐसे आप बना सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन फोर, आपने नीचे दिए गए शब्दों में र का अलग अलग तरीके से प्रयोग किया गया है, झाड़ करके सही जगह पर लिखिए। तो आप बुक में देखेंगे, आप कर सकते हैं, आप पढ़िए, जहाँ नहीं समझ में आता है आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक, अगला आपका क्वेश्चन फाइव है, चित्र पहचान कर शब्द लिखिए तथा उसमें संयुक्त व्यंजन पर चिन्ह लगाइए। तो आप इसको भी कर सकते हैं। क्वेश्चन सिक्स आपका है, नीचे दिए गए शब्दों में संयुक्त अक्षर तथा संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों को अलग कीजिए। आप इसको भी अलग करके लिख सकते हैं। बाद में आप देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया, भारत के पांच ऐसे राज्यों के नाम लिखिए जिनमें संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग हुआ हो। ये आप अपनी कॉपी पे करेंगे और कॉपी पे करके आप ग्रुप में सेंड करिएगा। आप इसको नहीं आता है तो अपने घर वालों से, अपने बड़ों से जानने का प्रयास करिएगा। और यहाँ पे मैंने जो भी आपको पढ़ाया है, ये आपका चारों प्रकार का ल और आपके जो संयुक्त व्यंजन है इसको लर्न कर डालिए। आपकी इस चैप्टर में बेटा बस इतना ही है। अगले चैप्टर में आप देखेंगे आपका है चैप्टर फोर संज्ञा, पार्ट चार संज्ञा, इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। विद्यालय खुलेगा तो फिर से मिलेंगे। बाय।